माता की जय। बोलो भवानी माता की जय। कर्नाटक के बीदर की एक मस्जिद में घुसकर नारेबाजी और पूजा करने का मामला सामने आया है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक घटना दशहरे के दिन 5 अक्टूबर को हुई थी, जब भीड़ पुरातत्व स्मारक महमूद गेवान मदरसा और मस्जिद का ताला तोड़कर जबरन अंदर घुस गई और नारेबाजी की। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में मदरसे के अंदर पूजा करने की बात कही है। वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि पूजा के दौरान नारियल भी फोड़ा गया था, जिससे मदरसे को नुकसान पहुंचा है। कल इनकी रैली निकली थी, विद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ निकली थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन साथ में रहने के बाद अंदर घुसते हैं मस्जिद के ऊपर, उन लोगों जो से नारे लगा। रोके नहीं कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में? कोई नहीं रोके सब, उनका लॉक तोड़ा गया है बाद हफ्ता उनको अंदर जाने के लिए। सपोर्ट किया गया? सपोर्ट किया गया। तो हम आपके थ्रू दरखास्त करते हैं हायर अथॉरिटी से, बैंगलोर से, यहाँ के जो भी इंचार्ज मिनिस्टर्स वगैरह जो भी है, इनको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और अरेस्ट करे। पुलिस ने मामले में 9 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है। ये 9 लोग हैं नरेश गोली, प्रकाश मैकेनिक, वीनू मैकेनिक, मुन्ना सागर बंटी, जगदीश गोली, अरुण गोली, गणेश गोली और गोरख गोली। वीडियो शूट किए जाने तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 5 आरोपियों की तलाश जारी है। बीदर SP डेका किशोर बाबू के मुताबिक ये निजामों के समय से दशहरा के दिन पूजा करने की रेगुलर प्रैक्टिस है। मस्जिद परिसर के अंदर एक जगह है, आमतौर पर 2-4 लोग आते हैं, इस बार ज़्यादा लोग आ गए थे। किसी ने अवैध रूप से मस्जिद में प्रवेश करने के लिए ताला नहीं तोड़ा। हमने FIR दर्ज कर ली है और बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। मामले में AIMIM प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कर्नाटक की BJP सरकार को घेरा। ओवैसी ने लिखा, बीदर की ऐतिहासिक महमूद गेवान मस्जिद और मदरसा की तस्वीरें, उग्रवादियों ने गेट का ताला तोड़ दिया और अपवित्र करने की कोशिश की। बीदर पुलिस और बसवराज बोम्मई, आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? BJP सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र का कहना है कि मदरसे के पास एक पेड़ था जहां हर साल पूजा की जाती थी। घटना के बारे में उन्हें विभाग से जानकारी लेनी पड़ेगी। फिलहाल घटना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आपके लिए ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी अंशुल ने। मामले से जुड़े अपडेट के लिए लल्लन टॉप से जुड़े रहिए। शुक्रिया।